इफ माइनस टू एंड टू आर द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, उसके रूट्स उसने बता दिए पॉलिनोमियल इक्वेशन के ना, कि ये कहता है माइनस टू और टू जो है उसके रूट्स हैं। अब उसी तरह आपको पता है कि सबसे पहले इसको टू पे माइनस टू पे करना है, माइनस टू पे कर लें या टू पे कर लें, तो दो रिमाइंडर आएंगे ना हमारे पास। अब ये देखें इसके पास हमारे पास क्या है, वन ये लिख लिया, वन ये आ गया माइनस फोर इसका ए, फिर देन बी। सबसे पहले हम माइनस टू पे डिवाइड करने लगे, फर्स्ट हम आपको पता है एज इट इज नीचे आ गई। हाफिज साहब आवाज़ आ रही है? यस सर, आ रही है ओके आपकी ओके आवाज़? ओके ओके ओके। माइनस टू को वन से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस टू, माइनस फोर और माइनस टू हमारे पास हो गया माइनस सिक्स। अब फिर माइनस सिक्स को माइनस टू से मल्टीप्लाई किया, प्लस 12 हो गया, ये हमने लिख लिया ए प्लस 12, ये आ गया हमारे पास टर्म। फिर माइनस टू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा माइनस टू ए माइनस 24, वो इसके साथ इधर लिख लेंगे हम, तो ये बन जाएगा माइनस टू ए प्लस बी माइनस 24। तो सर आपको जी, सर ये जिस आपने कहा कि वन एज इट इज नीचे आ गया सर, वो कुछ मैं स्कूल में बताया था मैम ने कि वन के नीचे जीरो आएगा, होता पहले वैल्यू के नीचे जीरो आता है। वो हम मर्जी आपकी लगाएं या ना लगाएं, वो पहली वैल्यू एज इट इज हम नीचे ले आते हैं। मतलब जो भी इधर वैल्यू ओके होगी ना, 5 होगी, 10 होगी, 20 होगी, -10 होगी, जो भी है वो एज इट इज नीचे आ जाती है। वो जीरो लिख लेते हैं इसलिए कि वन में जीरो ऐड करेंगे तो आंसर वन ही आएगा, ठीक है ना? वो लिख लें फिर भी ठीक है, ना लिखें तो फिर भी ठीक है। एरो ऐसे एरो शो कर दें ऐसे ना, जैसे मैंने एरो लगाया था। तो इसमें हमारे पास ये रिमाइंडर आ गया, ये रिमाइंडर हमने रख लिया इक्वल टू जीरो के, उधर से हमारे पास क्वेश्चन बन गई माइनस टू ए प्लस बी 24। अब ये रूट है इस क्वेश्चन के, इस क्वेश्चन के रूट्स है ना दोनों। तो अब माइनस टू पे किया था, अब हम कर लेते हैं इसको किस पे, टू पे। टू पे करके देखते हैं, टू पे करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इसका क्या बनता है। उसी तरह हमने सारा वही प्रोसेस किया, वही प्रोसेस करने के बाद उसमें माइनस टू पे किया था, अब ये हमने करना है इसमें प्लस टू के साथ। ये वन एज इट इज नीचे आ गया हमारे पास, टू वन जार टू ये बन गया माइनस टू, टू टू जार माइनस फोर ए माइनस फोर आ गया ये हमारे पास। फिर उसके बाद अब टू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, टू ए माइनस एट बन जाएगा, जब इसमें ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास टू ए प्लस बी माइनस एट। इसको भी ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर क्या रखते हैं हम, इक्वल टू जीरो, रिमाइंडर इक्वल टू जीरो रखा तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर टू बन गई। अब क्वेश्चन नंबर वन ये हमारे पास, क्वेश्चन नंबर टू हमारे पास ये आ गई। इन दोनों में देखें, अगर इसके नीचे ही मैं ये वाली टर्म रखता हूँ टू ए प्लस बी इक्वल टू एट, इन दोनों को ऐड ही करना है ना, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास यही है, इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो टू ए से टू ए कैंसिल आउट हो गया, बी प्लस बी ये बन जाएगा टू बी, और इक्वल टू हमारे पास कितना बन जाएगा, 32 सॉरी। तो बी की वैल्यू इधर से क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 16। अब बी की वैल्यू किसी सर एक, 4.6 है। 4.5 का लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इधर से बी की वैल्यू 16। अब बी की वैल्यू 16 इसमें पुट करें, बी की वैल्यू 16 आप इसमें पुट करते हैं, 16 इसमें पुट किया तो हमारे पास बन जाएगा माइनस टू ए, वो 16 दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 24 माइनस 16। तो इधर से कितना बन गया, 8। तो माइनस टू पे जब इधर आके माइनस टू इसको आके डिवाइड कर देगा, माइनस टू पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास बन गया ए इक्वल टू -4, ठीक हो गया। ए की वैल्यू भी आ नहीं, गई किसी हमारे में पास भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इसकी। किसी, दोनों में, दोनों में, या ये वाली क्वेश्चन में या ये वाली क्वेश्चन में, ये दो क्वेश्चन थी ना, दोनों क्वेश्चन में किसी में भी पुट कर सकते हैं आप, कंपल्सरी ओके नहीं सर, मतलब फर्स्ट में करनी है सेकंड में करनी है, दोनों में जिसमें आपका दिल करे पुट कर लो। तो एट द एंड हमारे पास ये आंसर आ जाएंगे।
अब ये अगर आपने अपनी सेटिस्फिकेशन करनी है तो अभी देखो हमारे पास ए का आंसर क्या था -4, बी का आंसर क्या था 16। अब इसमें पुट करके देख लो, इधर रिमाइंडर आपका 0 बनेगा। ए का आंसर कितना था -4 और बी का आंसर 16। तो ये देखें, जब इसमें -4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा -8 प्लस सिक्सटीन माइनस एट माइनस एट माइनस सिक्सटीन, ये प्लस 16 से कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका माइनस मतलब सिक्सटीन रिमाइंडर, फिर उसको वो 2 और -2 इसको हाँ डिवाइड कर देंगे पूरा पूरा। जब इसके बाद जब ए और बी की वैल्यू इधर पुट करेंगे ना, पुट करने के बाद आप देखेंगे कि हमारे पास इसको पूरा पूरा तकसीम करेगा, आपके पास आंसर पूरा एग्जैक्टली वही आएगा जो आपको रिक्वायर्ड चाहिए था। रिमाइंडर आपके पास क्या बन जाएगा, इसका 0 बन जाएगा। क्लियर हो गया? ले जी, ये इसका आखिरी क्वेश्चन था 4.5 का। नेक्स्ट हमारे पास आती है 4.6। 4.6 में थोड़ा सा आपको बताना है कि नेचर ऑफ रूट के बारे में। नेचर ऑफ रूट आप कैसे चेक करते हैं किसी की भी फंक्शन की? हमारे पास नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए आपने, हमारे पास दो प्रोसीजर उसमें होते हैं। नेचर ऑफ रूट चेक करने के लिए आपको पता है कि जो अंडर रूट के अंदर ये वाली टर्म आती है ना, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, मतलब क्वाड्रेटिक फार्मूले में ये वाला जो फार्मूला चीज आती है ना, इसको हम देखते हैं। अगर हमारे पास इक्वल टू इसमें ए बी सी की वैल्यू पुट करें अगर, तो इसका आंसर आ जाता है इक्वल टू 0, हम कहते हैं इक्वल रूट्स हैं। अगर इसका आंसर आ जाता है परफेक्ट स्क्वेयर, हम कहते हैं इसके रूट्स रैशनल नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं बनता, हम कहते हैं इरेशनल नंबर है। अगर हमारे पास वो आ जाता है माइनस में आंसर आ जाता है, तो हम कहते हैं इसके रूट्स क्या है, कम्प्लेक्स है। तो ये नेचर ऑफ रूट थी इसकी ना। तो अब हमारे पास जो इसके रूट्स होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है। इसके दो रूट्स हैं जिसको हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वेयर वाला वो जैसे बनाया था, इसी तरह इसके दो रूट्स कौन कौन से बनते हैं? प्लस माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला ही है ना, एक दफ़ा प्लस में लिख लिया एक दफ़ा माइनस में लिख लिया क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब ये इसके किसके रूट्स हैं? इस इक्वेशन के, ये वाली इक्वेशन के ये रूट्स हैं, ये दोनों रूट्स हैं इसके। मतलब इसमें आप पुट करोगे ना, इसका जवाब 0 के बराबर आएगा। दोनों में से कोई भी पुट कर लो फिर भी जवाब 0 ही आएगा। अब इसको हमने फर्स्ट वाले को कह दिया, लेट कर लिया एक्स अल्फा, इसको हमने सपोज कर लिया बीटा। कहता है कि अल्फा और बीटा को अगर हम प्लस करते हैं तो तब देखते हैं हमारे पास सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आते हैं। सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये मैट्रिक में आप लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। अब ये देखें सिंपल, हमने क्या किया, सम ऑफ रूट इधर क्या लिख देना है, एस सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट के लिए पी है, इसके लिए एस। तो अगर हमारे पास ये उसके रूट्स दी हों तो हम इक्वेशन भी बना सकते हैं। वो इक्वेशन होती है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो इसमें देखें हमारे पास अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा को हमने दोनों को ऐड किया, अल्फा और ये बीटा, ये जो ऊपर दिए हुए थे दोनों को ऐड किया। एलसीएम नीचे दोनों का 2a था, 2a एलसीएम सेम आ गया। ऊपर वाली टर्म आ गई हमारे पास माइनस बी प्लस अंडर रूट ये वाली टर्म। अब ये वाली टर्म सारी की सारी कैंसिल होके क्या बन गया, माइनस बी माइनस बी माइनस 2b ओवर 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस बी ओवर ए। अब किसी भी इक्वेशन का हमारे पास ये है, इस तरह इक्वेशन उसमें ए बी सी की जगह कोई नंबर होंगे, उसमें कहेगा सम ऑफ रूट्स निकालो अल्फा प्लस बीटा। तो हमने उसका क्या निकाला है कि उसके एक्स के वाले का कोफिशियंट, कोफिशियंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशियंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। अब इसी तरह हमने, अब इसका किया था सम, इसी तरह हमने देखना है इसका प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में हमने देखना है, प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट में हमारे पास आएगा इसका सी ओवर ए। वो सी ओवर ए कैसे आता है ये देखें, ये अल्फा था ये बीटा था, दोनों को मल्टीप्लाई किया, नीचे तो बन गया 2a 2a 4a का स्क्वायर, ऊपर क्या बन गया a माइनस प्लस b a माइनस b। तो
ऊपर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल का फॉर्मूला कंप्लीट हो गया, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वो बन गया हमारे पास बी स्क्वेयर, ये कैंसिल होकर हमारे पास बन जाएगा बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा ये माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा, माइनस बी स्क्वेयर आपस में कैंसिल आउट हो गया, माइनस माइनस ये हमारे पास आ गया प्लस फोर ए सी। अब नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, फोर ए स्क्वेयर, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, फोर से एक फोर कैंसिल हो गया, एक ए इस एक स्क्वेयर से कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा आंसर सी ओवर ए। अभी इसमें तो हमने जो फर्स्ट ईयर में डिस्कस किया है ये जस्ट हमारे पास आता है फर्स्ट सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, जो हायर क्लासेस हैं उसमें भी हमारे पास क्यूब रूट का आता है, क्यूब का आता है, फिर बाई क्वाड्रेटिक का आता है, फिफ्थ पावर का आता है, मतलब अप टू सो ऑन ऐसे चलते जाते हैं, तो उसका क्राइटेरिया भी मतलब इजी है, वो मुश्किल नहीं है। तो इसमें बेसिकली आपके पास थी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर, आप खुद भी बना सकते हैं, कोई भी अगर हायर पावर भी आए ना आप खुद भी बना सकते हैं, वो कैसे वो आपको अभी बताता हूँ, प्लस सी इक्वल टू जीरो। कोई भी आपको कहता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट क्या है, अल्फा और बीटा इसके रूट है, तो इसका सम ऑफ रूट निकालें, आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, आपने फौरन कह देना है कि माइनस बी एक्स का कोफिशियंट माइनस बी ओवर ए का कोफिशियंट डिवाइडेड बाय ए का कोफिशियंट। अब अल्फा बीटा सिंपल जो है इन दोनों की, इसके अलावा तो इसमें और कोई हो ही नहीं सकता, आ ही नहीं सकता और कोई पॉसिबिलिटी, या सम होगा या प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट में कांस्टेंट एंड वाला फंक्शन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर वाले के कोफिशियंट के साथ। अगर यही क्वेश्चन हमारे पास होती इस तरह, ये बनता ए एक्स स्क्वेयर, ए एक्स क्यूब है वो स्क्वेयर था हमारे पास, अब इस क्यूब का देखते हैं हम, बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। अगर ये हम क्यूब की बात करते हैं तो जैसे इसकी सेंस हमने क्रिएट की थी, एक्स स्क्वेयर के साथ वाले का ऊपर लिखना, नीचे एक्स स्क्वेयर वाली, फिर अगली टर्म, फिर एक्स स्क्वेयर, मतलब सबसे पहली जो टर्म होगी उसके साथ ही हमने डिवाइड करना है। अब इसमें क्यूब आ गया है तो इसके रूट्स कितने होंगे, अल्फा बीटा और गैमा, क्योंकि इसमें तीन आ गए हैं तो तीन इसके रूट हो गए। सबसे पहले इनका क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। हाँ जी हाफिज साहब क्या आएगा, उसी तरह हमारे पास ये देखिए मैक्सिमम पावर के साथ क्या आ रहा है, बी आ रहा है, उसी तरह आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, ठीक हो गया। फिर इसमें एक पॉसिबिलिटी और भी बन सकती है, इन दोनों को दो दो करके मल्टीप्लाई करके ऐड करें, अल्फा बीटा प्लस बीटा गैमा, प्लस गैमा अल्फा इक्वल टू, पहले इसकी एक्स स्क्वेयर वाली टर्म के साथ वाले आया था, अब एक्स वाली टर्म के साथ वाला जो भी कोफिशियंट होगा सी ओवर ए। और इनकी तरतीब होती है प्लस माइनस की ना, माइनस फिर प्लस फिर अगले के साथ फिर माइनस। अब इसके पास और पॉसिबिलिटी नहीं रही, अब थर्ड पॉसिबिलिटी हमारे पास यही है, इन तीनों का प्रोडक्ट ही बन सकता है और कोई चीज नहीं बन सकती। तीनों का जब हमारे पास प्रोडक्ट आ जाएगा, तीनों का प्रोडक्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, एंड वाली टर्म डी आ गई, डी ओवर ए, साथ क्या आएगा इसके माइनस, पहले के साथ माइनस फिर प्लस फिर माइनस, यही तरतीब। अगर हमारे पास फोर वाली होती तो फोर वाली भी आपने इसी तरतीब से आपने चलते जाना था, उसको आपने सॉल्व करते जाना था। तो ये लेकिन हमारा पार्ट का हिस्सा नहीं है, ये वाला पोर्शन जो है ना ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, ये नेक्स्ट हायर क्लासेस में होता है, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में करवा दिया। इसी तरह अगर कोई और भी पावर आ जाए तो यही तरतीब रखनी है कि मैक्सिमम पावर के साथ वाली ऊपर, फिर मैक्सिमम पावर वाली के जो भी हमारे पास कांस्टेंट होगा वो नीचे डिवाइड। तरतीब कैसे लेके चलनी है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अप टू सो ऑन, ऐसे ही चलते जाना है। तो इधर से हमारे पास आ गया इसका प्रोडक्ट ऑफ भी आ गया, प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया। अब इसके हम देखते हैं क्वेश्चंस।
अच्छा ये जो आपकी इक्वेशन आपको बताया था कि इसकी इक्वेशन भी बनती है हमारे पास ना, नेक्स्ट आपको बताया था कि इसके रूट्स कौन कौन से हैं। रूट्स इसके हैं ए अल्फा और बीटा। रूट्स बेसिकली आपको पता है एक्स के जवाब भी होते हैं ना, जो हमने सपोज किए थे अल्फा और बीटा। तो इसमें देखें जब हमारे पास उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये बनता है माइनस अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। इसको हम कहते हैं सम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस के साथ, और ये मल्टीप्लिकेशन है प्रोडक्ट, इसको पी लिखते हैं। तो ये इसकी इक्वेशन है। अगर हमारे पास कोई भी दो रूट्स गिवन है, मतलब अल्फा और बीटा हमारे पास कोई दो रूट्स गिवन है, हम सिंपल क्या करेंगे उनका सम कर लो। मतलब लेट्स सपोज हमारे पास दो रूट्स हैं 2 एंड 5। मैं कहता हूँ इसकी इक्वेशन बना के दिखाओ मुझे। थोड़ा सी हैरानगी होती है कि यार हम इसकी इक्वेशन किस तरह बनाएंगे, लेकिन इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, हमारे पास ये इक्वेशन का फॉर्मेट बना हुआ है। हमने क्या करना है कि ये देखना कि सम ऑफ रूट्स है, और सॉरी रूट्स हैं उसके इक्वेशन के। तो हमने क्या, सम ऑफ रूट्स निकाल लो, एक्स स्क्वायर बन जाएगा इसकी इक्वेशन। इस जब इसमें पुट करेंगे माइनस सम ऑफ रूट का मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस 5 7x 7 प्लस 5 2 10। टेन तो ये हमारे पास वो क्वेश्चन बन गई, आप निकाल लो जिसके रूट्स हमारे पास यही बनते होंगे। ठीक है आपके पास। अब पहले हमारे पास, हमने 4.4 तक यही डिस्कस किया है कि हमारे पास थी इक्वेशन, होती थी इक्वेशन के हम ये फाइंड आउट करते थे आंसर रूट्स। अब हमारे पास उल्ट काम हो गया, अब हमारे पास रूट्स गिवन है, तो उससे हमने क्या जनरेट कर लेनी है इक्वेशन, कि किस इक्वेशन के ये रूट्स बनते हैं वो हमने निकाल लेने हैं उसमें से। ठीक हो गया। अच्छा जी सर। जी हाफिज साहब, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैं साथ साथ ही बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ 3x² - 2x + 4 = 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ 1 ओवर α² + 1 ओवर β²। ठीक है, ये पहले सामने पार्ट क्वेश्चन है ठीक हो गया, फर्स्ट फर्स्ट पार्ट सर। यार। बात सुने, आज टीवी में खबर आई थी कि हमारा सिलेबस 40% और कम हो गया है। नहीं, हफ शायद वो पेपर ही ना हो आपको मिला था। नहीं, पेपर का तो न्यूज आ गई थी आपको, शायद मुराद राज की भी न्यूज ट्वीट मिल गया हो। तो न्यूज़ तो आ गई है कि पेपर आपके जो हैं वो पेंडिंग थे ना, मतलब कौन सी डेट रखनी है फिक्स की थी, तो अब उन्होंने फिक्स कर दिया कि कहते जून, मई जून में ना उनके शुरू हो जाएंगे मैट्रिक वालों के। तो आपकी तो बल्कि सबसे ज़्यादा मुझे ये होती हैं कि आपकी है ये सबसे आखिर में है। आखिर में होने हैं, पहले मैट्रिक है, फिर 9th है, फिर आपका आएगा सेकेंड ईयर, नहीं, पहले फिर फर्स्ट ईयर, पहले 10th, फिर 9th, मैट्रिक, फिर फिर 9th होता है ना, फिर उसके बाद होते नहीं सर, इस हैं। बार, इस बार सेकंड ईयर पहले आएगा 9th नहीं से। नहीं 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 9th से पहले नहीं आएगा, मुश्किल है। इस बार वैसे कह रहे थे। अच्छा नहीं, सर, वो पैटर्न डिसाइड हुआ अभी तक के? कोई नहीं, पैटर्न डिसाइड हुआ कि नहीं अभी तक? क्या मतलब, सुना था ना नहीं 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 एमसीक्यू भी नहीं आने अभी हैं? अभी भी नहीं हुआ, अभी नहीं। तो अभी तक जो है ना वो इन्होंने नहीं दिया, कोई स्केड्यूल नहीं दिया इन्होंने। वो जैसे ही आएगा, मतलब वो आपको पता है व्हाट्सएप का जदीद दौर है, तो उस पे मतलब साथ ही आपके शेयर हो जाएगा। अच्छा अभी देखते हैं हम नेक्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है हमारे पास इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वेश्चन 3x² - 2x + 4। अगर अल्फा और बीटा इसके रूट्स हैं, उसने खुद ही बताया है, तो इनका सम क्या निकलेगा फिर? ये अभी फार्मूला जो पढ़ा है हमने, माइनस बी ओवर ए। अब माइनस बी, बी की वैल्यू ये है हमारे पास -2, और ए की वैल्यू ये है और सी की वैल्यू ये है हमारे पास। तो माइनस बी ओवर ए, माइनस बी, बी की वैल्यू -2, माइनस माइनस +2 हो गया ओवर 3। ये अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की। फिर इनका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट में आपको पता है क्या वैल्यू होती है, सी ओवर ए। तो सी की वैल्यू ये आ रही थी और ए की वैल्यू ये हमें कैसे पता लगा? ये जनरल क्वेश्चन है हमारे पास, ए एक्स स्क्वेयर प्लस
बी एक्स प्लस सी, तो इधर से हमें पता लग गया कि ये ए बी सी की वैल्यू कौन सी हैं, तो सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट अभी हमने डिस्कस किए हैं, तो वही हमने इसमें मतलब फार्मूला में पुट कर देने हैं। फार्मूला में पुट करने के बाद ये वैल्यू, अब ये तो हमारे पास आ गया, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब मसला किधर आ रहा है, मसला इधर आ रहा है, वो कह रहा है हमने ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसमें मतलब ये चीज़ें यूटिलाइज करनी है, हमने ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं हम, ये वाली, तो हम कहता है ये वाली चीज़ें फाइंड आउट करें, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा वन ओवर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस वन ओवर बीटा स्क्वायर, हमने एलसीएम लिया, ये इसका क्या बन गया, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। अब ये देखें हमारे पास अल्फ़ा बीटा को तो हम इस तरह लिख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा का होल का स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है। अब मसला इधर है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, हम इधर से कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बना लें, तो हमने क्या किया, हमने उसमें अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड भी कर दी, टू अल्फ़ा बीटा और टू अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया। ये क्यों किया, ये काम क्यों किया, क्योंकि हमारे पास किसकी वैल्यू थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की, तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर बन जाना था, ये वाला काम, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर माइनस टू अल्फ़ा बीटा, मतलब जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो दोबारा यही वैल्यू बन जाएगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो ये हमारी ज़रूरत पूरी होगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी हमारे पास, टू ओवर थ्री, उसमें टू ओवर थ्री का स्क्वायर बन गया माइनस टू, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू थी हमारे पास फोर ओवर थ्री, तो वो फोर ओवर थ्री पुट कर दी, अल्फ़ा बीटा स्क्वायर वो फोर ओवर थ्री का स्क्वायर बन गया हमारे पास। तो जस्ट आगे सिंप्लीफिकेशन है इसकी, सिंप्लीफाई करना है इसको, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। आगे मतलब उसने जस्ट इसमें ये किया है काम कि इनका स्केयर एक्सपेंड किया है, स्केयर एक्सपेंड करने के बाद उसको सिंप्लीफाई किया, जो नीचे वाली पावर थी वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गए, मल्टीप्लाई होने के बाद एट द एंड इसका आंसर आ गया हमारे पास माइनस फाइव ओवर ए फोर, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। जी हाँ फसल, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट टू है सर, पार्ट टू है। अच्छा पार्ट टू में हमारे पास ये देखें, अब वो एक दफ़ा ही हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी थी स्टार्टिंग में ना, इन सभी क्वेश्चन पे वही वैल्यू और वही इक्वेशन के रूट्स ही हमने यूज़ करने, अल्फा और बीटा। अभी इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा, उसमें हमारे पास जो वैल्यू आई थी टू ओवर थ्री थी आई थिंक, और बीटा की वैल्यू थी थ्री ओवर फोर, थ्री ओवर टू सॉरी फोर ओवर थ्री। तो इसमें भी ये देखें, अब ये वाली चीज़ कह रहा है आपने फाइंड आउट करनी है, जब ये वाली चीज़ हम फाइंड आउट करेंगे तो इनका एलसीएम लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा बन गया, ऊपर क्या बन गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, नीचे अल्फ़ा बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा हमारे पास एलसीएम आ गया था। अब फिर काम वही नहीं बन गया, ऊपर ऊपर वाले क्वेश्चन बन गया दोबारा, सेम वही क्वेश्चन बन गया, उसमें क्या था, उसमें हमारे पास नीचे वाले का भी स्क्वायर था, इसमें नीचे वाले का स्क्वायर नहीं है, बस ऊपर हमारे पास वही फार्मूला हमने जनरेट किया, वही फार्मूला, नीचे वाले में इसमें स्क्वायर था, इसमें स्क्वायर नहीं है बस, बाकी वही सारा काम करेंगे, वही सारा काम करने के बाद एलसीएम लेने के बाद हम देखेंगे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट ऑफिसर साहब, सर इसका छठा पार्ट है, इसका छठा पार्ट है। क्वेश्चन नंबर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, अब इसमें देखें, इसमें थोड़ी सी हमारे पास होती है, जब हम देखते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसमें हमारे पास अब देखो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, इसमें हम कोई चीज़ ऐड भी कर लें, तो इधर हमारे पास अगर प्लस होता तो जैसे हमने प्रीवियस में हमने प्लस टू अल्फा बीटा ऐड भी कर लिया, माइनस भी कर लिया, अब इसमें हम ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि दरमियान में हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो इसमें हमने कोई और फार्मूला देखना है कि और फार्मूला हम कैसे अब डिस्क्राइब करेंगे। अब और फार्मूला डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, इसमें इनका अगर हम कहता है कि बोथ साइड स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर करें इसका, तो ये बन जाता है अल्फ़ा का पावर फोर बीटा की पावर फोर माइनस टू अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर।
अब ये तो काम ठीक हो गया, ये बाद में बनेगा टू ये अल्फा बीटा का होल का स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमारे पास मौजूद है, काम तो अभी भी फिर पेंडिंग का पेंडिंग। इधर से जान छुड़ाई है आगे, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, हमारे पास तो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा की, अभी भी काम खत्म नहीं हुआ। अब इसमें प्लस आ गया, लेकिन ये प्लस ने काम आसान कर दिया। जैसे हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सॉल्व किया था, उसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना। ये देखें, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, वही उसमें 2 अल्फा बीटा ऐड किया था, इसमें 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ऐड कर दिया, -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद ये अब टोटल की वैल्यू बन गई ये वाली होल की वैल्यू। अब ये देखो, ये किसका स्क्वायर बन गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की पावर 2। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। अब ये वाली वैल्यू, अब क्वेश्चन नंबर आपको पता है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में और क्वेश्चन नंबर सेकंड में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट जो है था और सेकंड पार्ट, उन दोनों में इसको सॉल्व किया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसका फार्मूला हमारे पास क्या बनता था, अल्फा प्लस बीटा का होल का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और होल की पावर 2 और इधर -4 अल्फा बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी वो पुट कर दी हमने, अल्फा बीटा की वैल्यू थी वो पुट कर दी, इधर भी अल्फा बीटा की वैल्यू थी वो पुट कर दी। पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। हाफ साहब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, इसमें मतलब एक फार्मूला बनाने के बाद हमने नेक्स्ट उसमें फर्दर फिर दूसरा फार्मूला बनाया, और वो फार्मूला बनाने के बाद उसकी वैल्यू जो हमने प्रीवियस यूज़ की थी वो वैल्यू डायरेक्ट उठा के हमने लिख ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सर, क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट भी है लॉन्ग के रिस्पेक्ट। ये बेसिकली क्वेश्चन था तो लॉन्ग, लेकिन चंद सालों से ना ये अब शॉर्ट क्वेश्चन में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें करना के, इसमें कहता है अल्फा और बीटा, उसी तरह उसने खुद ही बता दिया अल्फा और बीटा क्या है, इसके रूट्स हैं, जैसे वो उसने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन बताई थी। अब ये क्वेश्चन बता दी उसने, अब ये क्वेश्चन है, इसके अल्फा और बीटा उसके रूट्स हैं। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सम ऑफ रूट कैसे निकलेगा, सम ऑफ रूट हमारे पास निकलेगा कि वैल्यू किसकी आनी है, अब वैल्यू हमारे पास आनी है एक्स की -b/a। ये माइनस वो वाला फार्मूले वाला बी क्या है हमारे पास, -p/a, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a की वैल्यू इधर 1, तो इसका आंसर बन गया p। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या बनती है, c/a। सी अब ये देखिए कांस्टेंट टर्म हमारे पास, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ एक्स नहीं आ रहा, c/a, a की वैल्यू 1 है हमारे पास, -p -c। अब ये हमारे पास वैल्यू आ गई, अब ये वैल्यू आने के बाद वो कहता है ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ये चीज़ आपने जब प्रूव करेंगे, ये चीज़ प्रूव करने के लिए आपने क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करो 1 1 1, 1 को बीटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर एट द एंड जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा आ जाएगा। तो अब इधर देखो, 1 की वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं, अल्फा प्लस बीटा इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये वाली, अल्फा बीटा इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है ये वाली। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पी जो ऊपर लिखी हुई है ये वाली, और अल्फा अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, -p -c, तो -p -c लगा दी, p p से कैंसिल, तो रिमेनिंग आंसर क्या रह गया, 1 -c, जो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट था, जो हमें रिक्वायर्ड था वो हमारे पास उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। क्लियर हो गया, यस सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1, ओके। अच्छा अभी ये देखें, इसमें कहता है फाइंड द कंडीशंस दैट वन रूट ऑफ द, ये क्वेश्चन है, इज डबल द अदर। लेट सपोज करो आपके पास पहला रूट है आपके पास अल्फा, तो उसका डबल क्या होगा, टू अल्फा। अगर स्क्वेयर ऑफ अदर, पहला अल्फा है तो दूसरा उसका रूट क्या होगा, अल्फा स्क्वेयर।
तीसरे में कह रहे हैं एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स अगर आपके पास अल्फा है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस अल्फा। चौथे में कह रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, अगर आपके पास एक अल्फा है तो दूसरा क्या होगा, वन ओवर अल्फा। मतलब आपको उसकी सेंस से ऑटोमेटिकली पता लग गया अगर आपके पास पहला रूट ये है तो दूसरा रूट कौन सा होगा। अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट है इसका, उसमें कह रहे हैं डबल द अदर, पहला जो रूट है वो पहले का, दूसरा जो रूट है वो पहले का क्या है, डबल है। पहले का डबल कैसे है, वो हमने क्या किया, अब लेट्स कर लिया हमारे पास एक अल्फा है तो दूसरा रूट उसका क्या बन गया, टू अल्फा। तो इनका सम निकाल लो, इनका सम निकालेंगे हमारे पास बन जाएगा अल्फा प्लस टू अल्फा इधर से माइनस बी ओवर ए वाला फार्मूला, तो माइनस पी ओवर वन आ जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस पी। अल्फा प्लस टू अल्फा थ्री अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई माइनस पी ओवर थ्री। अब इधर से हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट भी निकालना है, जब ये था हमारे पास सम और ये आ गया हमारे पास इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फा को टू अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे, टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू क्यू, क्यू के प्रॉपर आ गया। अब क्यू की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू मौजूद है, अल्फा की, हम उसमें अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा की वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास जो भी कंडीशन बनेगी वो उसका आंसर होगा। ये देखिए अब उसमें हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या थी, हमारे पास माइनस पी ओवर थ्री, माइनस पी ओवर थ्री उसने इसमें पुट कर दिया तो ये बन गया पी का स्क्वायर ओवर नाइन, नाइन दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो गया। तो अगर माइनस करना माइनस कर लो इधर ला के, नहीं तो ऐसे लिख दो आंसर में टू पी स्क्वायर इक्वल टू नाइन क्यू। हाँ बस, आप बाकी भी हैं इसके? नहीं सर, पहला और चौथा ये बस, पहला और चौथा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसमें हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको पता है, अगर अल्फा है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, वन ओवर अल्फा। ये देखें वन ओवर अल्फा है तो आपके पास इधर से क्या बन जाएगा, अगर आप इनका सम निकालते हैं, सम आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, तो आप इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट में आपके पास इधर से सोल्यूशन ही नहीं निकलता। सोल्यूशन में क्या आता है, अल्फा को वन ओवर अल्फा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या बन जाएगा, अल्फा अल्फा से कैंसिल, क्यू इक्वल टू, ये क्यू ही बना था ना, सी ओवर ए, सी ओवर ए, इधर सी की वैल्यू है क्यू और ए की वैल्यू है वन, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जानी थी, वन। ये इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट हाफ साहब, क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स पहचान फाइव भी है शायद, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ ये लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स नहीं है, है सर, है, है, सर, है, है, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में काफी मरतबा आ चुका है आपके जो कॉलेज में, जब अगर सेंड अप होते हैं तो उसमें भी आएगा, और जो आपका फाइनल पेपर है उसमें ये उसके रिस्पेक्ट की ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा भी कहता है इफ़ द रूट ऑफ ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, ये इसके रूट्स आर बीटा, अल्फा बीटा होगा इधर ना, अल्फा और बीटा, प्रूव, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है, अल्फा और बीटा इस क्वेश्चन के रूट्स आ गए हमारे पास। तो अब इस क्वेश्चन के हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट क्या निकलेगा, वो निकलेगा हमारे पास माइनस क्यू ओवर पी, माइनस क्यू ओवर पी। फिर आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमारे पास कैसे आएगा, सी ओवर ए, वो बन गया क्यू ओवर पी, ठीक हो गया। अब इधर से आपने कंडीशन देखनी है, हमने बनाना क्या है, ये देखो ये वाली कंडीशन देखनी है, आपके पास ये दो टर्म्स बन गई है ये वाली। अब इधर क्या आ रहा है, इधर हमारे पास अंडर रूट आ रहा है, आपने इन दोनों के अंडर रूट ले लो, नीचे वाली टर्म जो है ना अल्फा बीटा वाली, उसका अंडर रूट ले लो, इसका अंडर रूट ले लिया हमने दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब स्क्वायर रूट ले लिया इसको हमने क्वेश्चन नंबर वन कहा था और इसको क्वेश्चन नंबर टू बोला था। क्वेश्चन वन को क्वेश्चन टू ये वाली जो बनी है, नहीं या क्वेश्चन इसको थ्री कह दो, क्वेश्चन वन को क्वेश्चन थ्री पे डिवाइड कर दें, अल्फा प्लस बीटा ओवर ये वाला अंडर रूट अल्फा बीटा, माइनस पी क्यू ओवर पी डिवाइडेड बाय
अंडर रूट क्यू ओवर पी। इसके बाद जब हम करेंगे इसका एलसीएम सेपरेट, एलसीएम जब सेपरेट सेपरेट करेंगे तो तब हमारे पास क्या हो जाएगा, अल्फा के नीचे भी आ जाएगा अंडर रूट अल्फा बीटा, और बीटा के नीचे भी आ जाएगा अल्फा बीटा का अंडर रूट। एलसीएम अलग अलग करने के बाद हमने देखा, दोबारा समझा दें इस बार स्टार्ट से। भाई इतना आसान है यार सर, इसकी नहीं समझ लगी। मैं दोबारा करवा देता हूँ, दोबारा करवा देता हूँ। ये आ गया थी आपके पास, ये क्वेश्चन था अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, अल्फा प्लस बीटा आपने ये तो फाइंड आउट कर लिया ना, माइनस बी ओवर ए माइनस सी ओ सी ओवर ए, जो हमने प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन थे सभी में फाइंड आउट किए। अब हमने देखा कि इसके नीचे क्या आ रहा है, सब में क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। तो हमने क्या किया, हमने नीचे वाले जो पावर थी ना, हमने देखा ऊपर क्या आ रहा है अल्फा और बीटा, तो हमने देखा इसमें अल्फा और बीटा है लेकिन अंडर रूट नहीं है। हमने क्या किया, नीचे वाले जो हमने प्रोडक्ट निकाला था ना उसका हमने क्या ले लिया, अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद इस पूरी क्वेश्चन जो नंबर वन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हमने डिवाइड कर दिया किस पे, ये जो न्यू हमने बनाई है। जब डिवाइड करेंगे तो इसका एलसीएम अलग अलग हो जाएगा, ए अल्फा को डिवाइड कर दिया अल्फा बीटा अंडर रूट, बीटा को भी डिवाइड कर दिया अल्फा बीटा अंडर रूट, इधर क्यू ओवर पी उसको भी अंडर रूट पे डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद हमने आगे देखा तो हमारे पास आपके पास आपको पता है कि जब नीचे पावर ऊपर पावर फुल है, नीचे पावर हाफ हो तो ऊपर पावर कितनी रह जाती है, हाफ। नीचे पावर आधी है, ऊपर पावर कितनी है, पूरी है, तो ऊपर पावर हाफ रह जाएगी, एक एक कट गई, ऊपर क्या बन गया अंडर रूट अल्फा ओवर बीटा, इधर क्या बन जाएगा बीटा ओवर बीटा, एक बीटा से कैंसिल हो गया, बीटा अंडर रूट बीटा ओवर अल्फा। तो ये ऊपर पावर इसकी पूरे की पावर थी वन और नीचे वाले की पावर थी हाफ, तो ऊपर वाली पावर भी हमारे पास क्या रह जाएगी, वही हाफ ही रह जाएगी। तो ये बन जाएगा इधर से अंडर रूट पूरे का पूरा अंत से बन जाएगा अल्फा ओवर बीटा और